तो देखिए मेरा पति आज सुबह सुबह बाजार लेके आ गए हैं कद्दू गंधराज। तो मुझे तो पेलान सूझ गया आज लेकिन बड़ा वाला माछ था ना, माछ होती तो मैं गंधराज माछ फिर से बनाती। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये नए ओ जो नतून ये था देखो बकुलीटा, तो देखिए आज नया वाला सब्जी लेके आए हैं बाजार से। ये जो ब्रोकोली है ये बहुत ही टेस्टी है, इसको ये बहुत ही टेस्टी होता है। फूलगोभी जैसा होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए इसका भी रेसिपी आप लोगों को साथ शेयर करेंगे हम। और देखिए देखो फूलगोभी डाला लगा, और देखिए फूलगोभी 5 रुपया, ये 5 रुपया का फूलगोभी मिला है वो बोल रहे थे मार्केट में बहुत ही सस्ता हो गया है सब्जी। तो मूली भी लेके आए, सीम बैंगन ससा और मिर्च खीरा 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 मिर्च और प्याज कली धनिया पत्ता धनिया पत्ता बोले ना, धनिया 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 और आलू थे हमारे घर पे। तो चलिए बहुत ही सारा सब्जी आ गए। सब सब पलक पलक पा ओ शीश शीश पलक ए बहुत अच्छा बहुत लगता स्वादिष्ट है, है। बहुत ही स्वादिष्ट है भाजी। तो चलिए आप लोगों के बोड़ी से साथ बनाना पड़ता, बोड़ी श्रम बैगन, इसमें बनाने से बहुत हाँ टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता वो है। जो कलाई और कलाई डाल का जो बोड़ी होता है उस बोड़ी और बैगन से बिल्डर बिवली डाल बोड़ी सीम है, बन बीन्स है, बीन्स और ये जो मटर का दाने मटर सूटी। मेरा घर पे पूरा सब्जी बाजार उठ के आ गए हैं फिर से। तो चलिए इसको हम सैटरडे तक लेकिन वो की को मैं रखो रखो पकाएंगे खाएंगे आज। लेबू को तो खाबो आज के बहुत ज्यादा हाँ खाबो का हाँ पकड़ा बूटा पाचा ठीक है। साफ है। प्याज तो हम लोग हम को तो भाजा करवा दिया। ठीक है हाँ तो नहीं अच्छी बात तो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं बहुत ही ठीक हूँ। सुप्रभात बोलती हूँ आप लोगों के लोगों को। तो चलिए आज फिर एक नई ब्लॉग शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज कुछ दिनों से मैं टाइम से गुड मॉर्निंग भी नहीं कह पाई और गुड नाइट भी नहीं कह पाई। तो चलिए आज से फिर से पुराने रूटीन में मैं चले जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ फिर से मैं गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोल सकूँ टाइम से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज से फिर नई नई सुंदर सुंदर खाना पकाना या कुछ अलग काम करते हैं और आप लोगों के को साथ लेके। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आज का दिन यहीं से शुरू करते हैं। और आज बहुत सारा काम करना है, क्योंकि एक संडे से हम लोग खाना नहीं पकाया है। तो आज कुछ खाना पकाने का दिन है और आप लोगों के साथ खाना शेयर भी करने का दिन है। तो चलिए अभी रखते मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ। मैं सुबह 9 बजे उठी हूँ, अभी कोई काम नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा काम करके या फ्रेश होके आप लोगों के सामने आती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो पुटी माछ ভালো আছে তে পুটি মাছ এনেছে। তো চলো আজকে ট্যাংরা মাছ আর পুটি মাছের কি ঝোল বানাই। তো তো আমি চলিয়ে মাই কিচেন মে যাতি হু, আপ লোক ভি সাথ চলিয়ে এদিকে। বলতে বলতে মাই কিচেন মে আ গই হু। मैंने राइस चढ़ा दी चावल, और मैंने सब्जी भी कट ली। सब्जी में मैं प्याज कर ली और आलू बैंगन और छीम सब मैं बना ली। तो चलिए प्याज कली को मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। भाजी प्याज कली भाजी होगा आज। और ये देखिए बैंगन भी भाजी कर ली,
फिर कढ़ाई में मैदी ऑयल देके इसमें मैं मछली दे देती हूँ। तो मछली मैं थोड़ा मछली को फ्राई करके और बहुत अच्छे से मछली को फ्राई करना है, और ये लकड़ी के उनन में मछली बहुत अच्छा फ्राई होता है। तो चलिए मैं मछली को फ्राई करके आती हूँ। पहले मैं थोड़ा पुट्टी माछ को थोड़ा फ्राई करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरा पति ने बोला कि वो प्याज कली से और पुट्टी माछ भाजी से पहले चावल खाएगा। फिर मैंने जो टेंगरा माछ लेके आए थे उसका जो झोल बनाने के लिए उसको भी फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए मैं मछली को फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही है, देखिए मछली कैसा भाज गई है मेरा। मैंने कल्लान जीरा दे दिया फ़ौरन में, पहले मैंने कल्लान जीरा दे दिया कलंजी। तो फिर मैं इसके अंदर जो मैंने आलू और छीम बना के रखे थे फिर वो दिया, फिर थोड़ा उनको फ्राई करके मैं इसमें ये दो चार ठो हरी मिर्च दे देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को वो हरी मिर्च बहुत ही पसंद आता है। जब चावल में घिस के में हम लोग खाते हैं, और नमक भी दे दिया। तो चलिए ये भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, और हल्दी भी दे दी। तो ये भी थोड़ा फ्राई करके मैंने ये जो छीम है इसको थोड़ा फ्राई करके इसको अलग से उठा के रखेंगे। फिर इसमें मैं मसाला जो पीस के रखे हैं फिर इसमें मसाला देंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने मसाला भी दे दी, देखिए मसाला देने के बाद इसमें जीरा पाउडर, नमक और हल्दी, मिर्च, और मसाला में था हरी मिर्च, अदरक और कलंजी। तो मैंने ये पेस्ट किया था। तो चलिए मैंने मसाला भी दे दी, अब मसाला को भून लेते हैं थोड़ा। तो मेरा मसाला भून गया है, तो अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दिया। तो पानी देने के बाद थोड़ा पानी उबलने के बाद मैंने इसमें जो मछली और सब्जी भून के रखे थे मैंने वो दे दिया। तो पहले मैंने धनिया पत्ता बारीक कटी हुई थोड़ा सा दे दिया, क्योंकि इस मछली के झोल में धनिया पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है सुगंध के लिए। तो मैंने थोड़ा धनिया पत्ता देने के बाद ढक दी, फिर मैंने उसको खोल के उसमें मछली और जो मैंने सब्जी बैंगन छीम भाजी करके रखे थे सब दे दिया। तो अभी मुझे इसको उबलना है, थोड़ा ज़्यादा उबल के तो मेरा मछली का जो झोल था वो रेडी हो गया। तो चलिए अभी उसको दोपहर में खाना है हम लोगों को। तो ये लकड़ी के उनान पे जो मछली का झोल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अदिति खाने बैठ गई, तो मैंने उससे पूछा कि वो पहले प्याज कली और मछली भाजी से खा रहे थे, फिर उसने मछली से खाया और उसको बहुत ही टेस्ट लगी। तो मैंने पूछ लिया था उसे, और मैंने सबको खाना दे दी दोपहर का। तो चलिए तो शाम को मैं आप लोगों के सामने आ गई थोड़ा बात करने के लिए। मैंने ग्रीन टी बैठा दिया था, ग्रीन टी मैं हम लोग शाम को ग्रीन टी पिए थे,
और अदिति के लिए भी बनाए थे लेकिन वो नहीं खाएगा, बोला नहीं खाएगी। तो मैंने आदित्य को बोला थोड़ा वीडियो कर दो, तो उसने आप लोगों के साथ बोला कि मम्मी ने आप लोगों को लिए वीडियो बनाता है, तो आप लोग मम्मी को सपोर्ट कीजिए। तो मैं भी बोल देती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाती, फिर भी आप लोग और चलिए देखिए। मैं थोड़ा कपड़ा भी भिगो दिया था, तो मैं कपड़ा को सुखाने के लिए दे रही थी। सुबह एक बाल्टी धोए थे, फिर एक बाल्टी, तीन बाल्टी ये कपड़ा मैंने धोए थे। और ऊपर जो बालकनी में दरी लगाया था उस रस्सी, उसमें आदित्य ने कपड़ा को सुखा दिया था। तो चलिए अभी जो एक बाल्टी है और एक बाल्टी पानी के अंदर है वो भी सुखा लेते हैं ड्राई करने के बाद। ये देखिए आदित्य चाय लेके ठहरी है और बोल रही है कि अभी 7 बजे। तो चलो बर्बन से हम लोग ग्रीन टी पी लेते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और चाय में थोड़ा शक्कर मिलाया हम लोगों ने, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और प्लीज़ मेरी मम्मी को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ टू सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो अदिति ने बोला मैं ग्रीन टी नहीं पीऊँगी, तो मैंने उसको दूध मिल्क से मिल्क उबल के थोड़ा मिल्क के अंदर मैं बोला उसको कि हल्दी से दूध पी लो। हाँ, तो मैंने हल्दी वाला दूध उसको दिया। आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ, वेदर बहुत ही खराब है, वेदर बोलिए या समय, तो आप लोग भी ये दूध वाला हल्दी वाला दूध पीजिए, तबीयत सुस्त रहेगा। तो चलिए सब काम मेरा हो गया। देखिए मेरा जो कल का थर्सडे था वो उसमें जो हमारा भेज वाला दिन है, तो मैंने सब सफाई कर ली, सब माज धो के सफाई कर ली। तो अभी मैं थोड़ा पानी भर रही हूँ, और जो मैंने बोला था कपड़ा सुखा के रखे थे, तो अभी उसको दो तलम में लेके जाके उसको सुखाना है, तो उसको रस्सी में डालना है। तो चलिए हम लोग दो तलम में जाते हैं। और शाम को हमने वो जो मछली का झोल और जो राइस था चावल था उसी से ही खाना खा लिया, वही खाना खा लिया। तो चलिए गुड नाइट, अभी इधर का तो काम ख़त्म हो गया, अब दो तला में जाते हैं, थोड़ा मजा कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए नकल की इसका भूरी किसके গুড নাইট। তো আমি মানে থা ঘর পে ঝাড়ু দে রই হুম, তো দেনে বাদ মানে सो जाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए मैं सब साफ सफा कर ली, और थोड़ा कपड़ा भी जो था वो बाहर मैं सुखाने के लिए दे दिया। और दिन भर तो आप लोगों को बोला कि ऊपर नहीं आ सकते, कुछ भी काम नहीं कर पाते, इसलिए मैं रात को ही साफ सफाई करके रख देती हूँ। तो चलिए बाय, गुड नाइट, और आप सब सुरक्षित रहिए,
सावधान से रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि।